वाली थी जिसे अब तक टेस्ट भी नहीं किया गया था। इसके बाद स्टैनफोर्ड और उसके दोस्त अपने अपने रोबोट के अंदर चले आते हैं और कर्नल टनाका का आदेश मिलते ही ट्रेनिंग के लिए आसमान में उड़ जाते हैं। वहीं चीफ मैक्स जब ईवा और अपने बाकी साथियों के साथ गैरेज में वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कुछ दूसरे लोग भी आए हुए थे। मैक्स उनके हेड क्लार्क से पूछती है कि तुम मेरे गैरेज में क्या कर रहे हो। इस पर क्लार्क मिस मैक्स को बताता है कि जिस प्रकार वो एलियन रोबोट्स के पार्ट्स और वेपन बनाती है ठीक उसी प्रकार वो हीरो फोर्स के रोबोट्स के पार्ट और वेपन बनाएंगे और अब से वो भी अपनी टीम के साथ उसी गैरेज में काम करेंगे और इसके लिए उन्हें जनरल एडेन पार्क ने खुद ही ऑर्डर दिया है। दरअसल ये हीरो फोर्स इंसानों द्वारा बनाए गए रोबोट्स होते हैं और ओलिविया जिस रोबोट की कैप्टन थी वो रोबोट भी एक हीरो फोर्स का ही रोबोट था। अगले सीन में हम एक मार्स रोवर को देखते हैं जो मार्स पर रिसर्च कर रहा था लेकिन तभी उसके ऊपर एक जायंट सार्ग हमला कर देता है। जनरल एडेन पार्क जब रोवर द्वारा भेजी गई आखिरी वीडियो क्लिप को देखते हैं तो उन्हें समझ में